दोस्तों, स्त्री के अंदर सबसे खूबसूरत चीज क्या होती है और कौन से हिस्से पर होती है? अगर आप औरत की सबसे खूबसूरत चीज से अनजान हैं, तो आपने दुनिया में कुछ नहीं देखा। यह चीज बिल्कुल औरत के बीचों बीच में होती है। अगर आप एक मर्द हैं, तो इस चीज को जरूर जानें। आखिर वह क्या चीज है? औरतों के बिल्कुल बीच में होती है और खूबसूरत होती है। आइए जानते हैं। पहले तो वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता। वीडियो लाइक करें और खूबसूरत जानकारी का लाभ उठाएं। दोस्तों, स्त्री के अंदर सबसे अच्छी चीज कौन सी होती है और सबसे बुरी चीज कौन सी होती है? तो आइए दोस्तों, आपको मैं यह महत्वपूर्ण जानकारी इस कहानी के माध्यम से समझाता हूं। यह कहानी बड़ी ही प्रेरणादायक और रोचक कहानी है कि स्त्री के अंदर सबसे अच्छी चीज कौन सी होती है। दर्शक बंधु, निषद देश में एक प्रसिद्ध राजा वीरसेन राज करते थे। राजा वीरसेन के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था नल और छोटे पुत्र का नाम था कुंवर। महाराज वीरसेन की मृत्यु के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र नल ही उनकी गद्दी पर बैठे। राजा नल धर्म और राजनीति के लिए बहुत ही बड़े जानकार थे। दूसरा, परमात्मा ने उन्हें सुंदर रूप से नवाजा था। देखने में तो वो इतने सुंदर थे कि साक्षात काम देव का दूसरा रूप लगते थे। अच्छे घोड़ों की उन्हें बहुत बड़ी परख थी और घोड़ों को दौड़ाने में बड़े माहिर थे। विशाल सेना भी उनके पास थी। सभी गुणों से संपन्न होने के बाद भी उनमें एक अवगुण था और वो अवगुण था जुआ खेलने का। और मित्रों, ये अवगुण एक ऐसा दोष है, इसका शौक रखने वाला व्यक्ति स्वयं और अपने परिवार को घोर मुसीबत में डाल देता है। अगर मनचाही मुसीबत चाहते हो तो एक जुआ का शौक पाल लेना, आपको अनचाही मुसीबत मिल जाएगी। दर्शक बंधु, हस्तिनापुर के सम्राट धर्मराज युधिष्ठिर भी जुआ खेलकर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। स्वयं तो फंसे ही, अपने परिवार को भी दुखों में धकेल दिया। दोस्तों, महाभारत युद्ध की पहली वजह थी वो जुआ ही था। ना जुआ होता, ना दुर्योधन द्रौपदी को अपमानित करता, ना पांडवों को वनवास जाना पड़ता और ना वो युद्ध होता। एक जुए ने ही वो महाविनाश करवा दिया। तो दोस्तों, राजा नल के अंदर भी ये दोष मौजूद था और इसीलिए उन्हें भी घोर विपत्ति का सामना करना पड़ा। मित्रों, राजा नल जब नए नए राजा बने थे, उन्हीं दिनों की बात है, विदर्भ देश में भीम नाम का एक राजा हुआ था। एक ऋषि के वरदान से राजा भीम के यहां तीन बेटा और एक दमयम नाम की सुंदर कन्या पैदा हुई थी। दबियंती इतनी सुंदर थी कि देवता लोग भी उसे पाने के लिए तरसती थे। वो अपने रूप और सील के कारण चारों तरफ प्रसिद्ध हो गई थी। धीरे धीरे जब दवियंती जबान हुई और उसकी आयु विवाह के योग हुई, तो राजा भीम ने दवियंती के लिए योग्य सुंदर वर खोजने की तलाश शुरू की। जिस प्रकार दवियंती रूप और गुणों की खान थी, उसी प्रकार उसका होने वाला पति भी उसके ही समान रूपवान होना चाहिए था। कहते हैं, जब दवियंती अपनी सहेलियों के साथ घर से बाहर निकलती थी, तो जो लोग उसे देखते थे, वो बस उसे देखते ही रह जाते थे। इस तरह राजकुमारी दबियंती की सुंदरता की चर्चा लोगों के मुंह से राजा नल ने भी सुनी थी और राजा नल की सुंदरता की चर्चा राजकुमारी ने सुनी थी। दोनों एक दूसरे के बारे में लोगों के माध्यम से जानकर बिना देखे ही मन एक दूसरे को चाहने लगे थे। दोनों के बीच एक दूसरे को देखने की व्याकुलता बढ़ गई थी। राजा नल सोचता थे कि वो कौन सा समय होगा जब मैं राजकुमारी की सुंदर रूप को अपनी आंखों से निहारूंगा। दवियंती भी यही सोचती थी कि वो अवसर कौन सा होगा जब मैं अपने सपने के राजकुमार को अपने पास पाऊंगी। धीरे धीरे समय गुजरता है। एक दिन महाराज नल अपने बगीचे में टहल रहे थे और राजकुमारी दवियंती के ख्यालों में खोए हुए थे। बगीचे में एक सुंदर सा तालाब था। राजा नल ने देखा कि उस तालाब में सुनहरे सुनहरे पंख वाले कुछ हंस तैर रहे थे। राजा नल उन हंसों को देखकर बड़े प्रभावित होते हैं। किसी तरह से राजा नल ने उनमें से एक हंस को पकड़ लिया। हंस ने मनुष्य की तरह बोलते हुए कहा, हे राजन, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, तुम्हें तुम्हारी प्रशंसा राजकुमारी दमयंती के सामने जाकर जरूर करूंगा। तुम रात दिन जिसके ख्यालों में खोए रहते हो, मैं तुम्हारा मिलन उससे, उस सुंदर राजकुमारी से अवश्य करा दूंगा। राजा नल भी यही चाहते थे कि राजकुमारी दवयंती उन्हें प्राप्त हो जाए, क्योंकि राजकुमारी को पाने के लिए राजा महाराजाओं की बात क्या स्वर्ग लोक की देवता भी तरसते थे। हंस के इतना कहते ही राजा नल ने उस हंस को छोड़ दिया। वो हंस अपना वचन निभाने के लिए अपने को और साथी हंसों को लेकर उड़ता हुआ राजा भीमसेन के राज्य विदर्भ देश में पहुंच गया। हंस जाकर राजकुमारी दमयंती के बगीचे में टहलने लगे।
मित्रों, उधर राजकुमारी दव्यंती अपनी सखी सहेलियों को लेकर जब बाग में आई तो उसने अपने बगीचे में सुंदर सुंदर हंसों को घूमते हुए देखा। राजकुमारी और उनकी सखियों ने उन हंसों को पकड़ने के लिए उनका पीछा किया। संयोग से वही हंस राजकुमारी दमयंती की पकड़ में आ गया, या यूं कहिए कि वो हंस राजकुमारी तक पहुंचना चाहता था, जिस हंस ने राजा नल से वादा किया था। हंस ने राजकुमारी से कहा है, हे राजकुमारी, यदि तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं तुम्हारा प्रिय काम करूंगा। राजकुमारी ने पूछा, तुम मेरा कौन सा प्रिय काम करोगे? हंस तो पहले से ही जानता था कि राजकुमारी के दमयंती के मन में राजा नल बैठे हुए हैं। हंस बोला, राजकुमारी, तुम मन ही मन राजा नल को चाहती हो, और सचमुच राजा नल भी तुम्हारे ही योग्य है। वो जितने सुंदर है उतने ही वह मन के बहुत ही अच्छे हैं। यदि तुम राजा नल को अपना पति बना लो तो तुम्हारी जिंदगी में चार चांद लग जाएंगे। हमने भी पूरी दुनिया घूमकर देखी है, पर राजा नल की तरह रूप और गुण वाला मनुष्य हमने कहीं नहीं देखा। यक्ष, किन्नर, गंधर्व, नाग और देवता कोई भी राजा नल की रूप और गुण की बराबरी नहीं कर सकते। हंस बोला, हे राजकुमारी, अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं तुम दोनों का मिलन करवा सकता हूं। मित्रों, राजा नल का नाम सुनकर राजकुमारी के मन ही मन लड्डू फूटने लगे। उसने बिना देर किए ही हंस को आजाद कर दिया। हंस उड़ता हुआ फिर राजा नल के पास जाता है और राजा नल को सारी बात बताई कि जिस तरह तुम राजकुमारी के प्रेम में पागल हो, इसी तरह राजकुमारी दव्यंती भी सदा वोर है, तुम्हारे प्रेम में बराबर है। वो तुम्हें पाने के लिए तड़प रही है, वह सिर्फ तुमको ही अपना पति मानती है। मैंने राजकुमारी के मन की बात तुम्हें बता दी, अब तुम्हें जैसा अच्छा लगे तुम वैसा करो। राजा को इतनी बात बताकर वो हंस अपनी हंसों की टोली में चला जाता है। हंस के मुख से राजकुमारी दमयंती के मन की बात जानकर राजा नल और भी अधिक बेचैन होने लगे। अब तो उन्हें ना भूख लगती थी, ना प्यास, ना नींद आती थी। हर समय दमयंती के ख्यालों में खोए रहते थे। उधर यही हाल राजकुमारी का भी था। वो भी राजा नल की याद में सब कुछ भुला चुकी थी, खाना पीना, भोजन, वस्त्र आदि। किसी भी बात की उसे बिल्कुल ही चिंता नहीं रही थी। मित्रों, धीरे धीरे राजकुमारी का चेहरा पीला पड़ गया। राजा ने तुरंत राजवैद्यों को बुलाकर राजकुमारी का उपचार कराया, किंतु वहां कोई बीमारी हो तो ठीक भी हो जाती। दव्यंती को तो महाराज नल के प्रेम की बीमारी लगी हुई थी। राजा भीमसेन समझ गए कि राजकुमारी की अवस्था अब विवाह योग हो गई है, मुझे किसी राज परिवार की तलाश करके बेटी का विवाह कर देना चाहिए। यही सोचकर राजा भीम ने अपने यहां स्वयंवर की तैयारी की, दूर देश के राजाओं को निमंत्रण दिया। स्वयंवर का जब दिन निश्चित हो गया तो दव्यंती से विवाह की आस लेकर राजा महाराजा स्वयंवर में भाग लेने के लिए आने लगे। राजा भीम ने अपने पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजा दिया था। गलियां, दुकानें, चौबारे सब सज कर तैयार हो चुके थे। स्वयंवर में भाग लेने वाले राजा महाराजा राजकुमार अपने अपने हाथी घोड़ों पर बैठकर वहां एकत्रित हो रहे थे। राजा भीम ने आने वाले सभी अतिथि राजाओं के ठहरने की उत्तम व्यवस्था भी की थी। उधर राजा नल भी स्वयंवर में भाग लेने के लिए चल पड़े, क्योंकि राजा भीम ने एक पत्र निमंत्रण का निषद देश भी भेजा था। इधर क्या होता है बंधुओं, उसी दिन देवऋषि नारद राजा इंद्र के दरबार में जाते हैं और राजा इंद्र के सामने दमयंती के स्वयंवर की बात कहते हैं। देवर्षि नारद ने दव्यंती के रूप गुण की इतनी प्रशंसा की, इतनी प्रशंसा की कि इंद्र शहर, अग्नि वरूढ़, यम सभी देवता दमयंती को पाने के लिए लालायित होने लगे। उन्होंने भी निश्चय किया कि हम भी दव्यंती के स्वयंवर में जाएंगे। इस प्रकार चारों देवता दव्यंती के स्वयंवर को देखने के लिए विदर्भ देश को चल दिए। चलते चलते मित्रों, रास्ते में उनकी भेंट राजा नल से होती है। नल भी स्वयंवर में भाग लेने के लिए जा रही थे। इंद्र, यम, अग्नि, वरुण राजा नल की सुंदरता को देखकर बड़े हैरान थे। सोचने लगे कि यदि राजा नल उस स्वयंवर में पहुंच गया तो नल को छोड़कर हमें कदापि अपना वर नहीं चुनेगी, इसीलिए कुछ ऐसा करना चाहिए जो नल को दव्यंती पति ना चुने। देवताओं को देखकर राजा नल ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा कि आप लोग कहां जा रहे हैं। देवताओं ने कहा कि हम तुम्हें अपना लक्ष्य तो बता देंगे, क्या तुम हमारा एक काम कर सकते हो? नल ने कहा, हां हां, क्यों नहीं। देवता बोले, ऐसे नहीं, पहले आप वचन दो कि आप हमारे काम में मदद करेंगे। नल ने कहा, ठीक है, हम वचन देते हैं कि हम तुम्हारा कार्य अवश्य करेंगे। जब राजा नल ने वचन दे दिया कि तुम्हारा कार्य जरूर करेंगे,
तब देवताओं ने अपने मन की बात कही, क्योंकि वे जानते थे कि राजा नल वचन का बड़ा पक्का है, जो कहेगा वही करेगा। देवताओं ने राजा नल से कहा कि आप हमारे दूत बनकर राजकुमारी के पास चले जाइए। दरअसल हम देवता लोक से विवाह करने के लिए उसके स्वयंवर में आए हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे दूत बनकर के पास जाओ और उससे हमारे आने की खबर दो। हमारी तरफ से उसे कहना कि स्वयंवर में हम चारों देवताओं में से किसी एक को वो अपना पति चुन ले ले, किसी अन्य पुरुष का भरण ना करे। मित्रों, देवताओं की ये बात सुनकर राजा नल के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। राजा नल कहने लगे, देवता ये आप क्या कह रहे हैं, मैं भी तो उसी स्वयंवर में भाग लेने के लिए जा रहा हूं। मेरे मन में भी पत्नी रूप में पाने की हार्दिक इच्छा है। मैं भी राजकुमारी के स्वयंवर में भाग लेने के लिए जा रहा हूं और आप मुझे दूत बनाकर राजकुमारी के पास भेजना चाहते हैं, जिसे मैं अपने मन में स्थान दे चुका हूं। उसे मैं दूसरों के लिए कैसे छोड़ दूं, इसलिए देवगण आप मुझे क्षमा करें। देवता कहने लगे, राजन आप हमसे इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि आपने हमें वचन दिया है, इसलिए हमारा यह संदेश तक तो पहुंचाना ही होगा। मित्रों, राजा नल बेबस हो जाते हैं। उनके पास मना करने का और कोई बहाना भी नहीं था। राजा नल ने फिर कहा, देवताओं मैं कैसे राजकुमारी तक तुम्हारा संदेश पहुंचाऊं। राजकुमारी के अंतापुर के बाहर तो बहुत ही कड़ा पहरा लगा होता है, किसी अपरिचित पुरुष का पहुंच पाना महाबड़ा मुश्किल है। देवताओं ने कहा, तुम इस बात की चिंता मत करो, हम तुम्हें ऐसी शक्ति प्रदान करेंगे जिससे तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा और तुम सबको देखते रहोगे। मित्रों, मजबूर होकर राजा नल देवताओं के दूत बनकर राजकुमारी के पास पहुंचे। देवताओं की शक्तियां के प्रभाव से राजा नल उस समय किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे, मगर वो सबको देख रही थे। राजा नल ने देखा कि राजकुमारी थी अपनी सखियों के बीच में बैठी हुई है, खास परिहास कर रही थी। उनके चेहरे की कांति चंद्रमा की तरह चमक रही थी। राजकुमारी के बारे में उन्होंने जैसा सुना था, वास्तव में वो उससे भी कहीं बढ़ चढ़कर थी। सुंदर नव यौवना दवयंती को देखकर राजा नल के मन में उसे पत्नी बनाने की इच्छा और प्रबल हो गई, लेकिन वे उस समय देवताओं के काम से वहां आई थे। उन्हें अपना वचन याद था और अपने मन की समस्त इच्छाओं का गला घोंटकर देवताओं का संदेश सुनाने लगे। उधर राजकुमारी और उनकी सखियों की नजर जब राजा नल पर पड़ती है तो एक अति सुंदर राजकुमार को देखकर बेसब चकित रह जाती है। वे राजा नल को एक तक निहारती ही रहती है। फिर उन्होंने सोचा कि बाहर तो इतना कड़ा पहरा है, फिर ये राजकुमार हम तक कैसे पहुंच गया, हो ना हो ये जरूर कोई देवता हो सकता है। दवयंती राजा नल को काफी देर तक देखती रही, फिर उसके बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए राजा नल से पूछा कि आप कौन हैं और यहां तक कैसे आए हैं, क्या आपको किसी सैनिक ने नहीं रोका। आपको पता होना चाहिए मैं एक राजकन्या हूं और मेरे महल के ऊपर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इस महल की ओर देखने वाले को कठोर दंड दिया जाता है, फिर भी आप मुझ तक चले आए, आप कौन हैं। तब राजा नल ने कहा कि मैं निषद देश का राजकुमार नल हूं, मेरे बारे में शायद आपने पहले सुना होगा, लेकिन यहां आने का मेरा उद्देश्य आपको देखना नहीं है, बल्कि मैं देवताओं की ओर से दूत बनकर आया हूं और देवताओं का संदेश लाया हूं। मुझे तुम्हारे पास देवराज इंद्र, अग्नि, वरुण और यम ने भेजा है। उन्होंने आपसे कहलवाया है कि हम चारों देवता भी आपके स्वयंवर में भाग लेने आ रहे हैं और हम चारों में से आप किसी एक का वरण कर लेना। राजा नल की आवाज सुनते ही राजकुमारी कहने लगी, हे देव, मैं उन देवताओं को प्रणाम करती हूं, किंतु जहां तक उनकी पति चुनने की बात है तो मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी, क्योंकि मैं बहुत पहले से ही आपको पति मान चुकी हूं। आप ही मेरे पति है और स्वयंवर सभा में मैं आपको ही अपना पति बनाऊंगी। अब आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं, मेरे तन पर मन पर सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार है। मुझे आपके बारे में एक हंस ने बताया था, मैंने तब से ही आपको अपना पति चुन लिया है। यदि आपने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं अपने इस जीवन को नष्ट कर दूंगी, लेकिन दूसरे पुरुष के साथ नहीं जाऊंगी। दमयंती के मन की बात जानकर राजा नल बोले, हे कुमारी, देवता लोग किसी साधारण स्त्री को स्वीकार नहीं करते हैं, फिर भी वे तुम्हें पाना चाहते हैं। आप ये अवसर क्यों कमा रही हो, क्यों देवताओं को छोड़कर एक मनुष्य को अपना पति चुन रही हो। मैं तो देवताओं की पगधोली के बराबर भी नहीं हूं। यदि आपने देवताओं को छोड़कर मेरा भरण किया तो आप जानते ही हैं कि देवता लोग कितने शक्तिशाली होते हैं, बेसब हम पर कुपित हो उठेंगे और हो सकता है कि उनके कोप के कारण मुझे अपने प्राण भी गंवाने पड़ जाए। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, तुम उन्हीं देवताओं में से किसी एक को अपना पति बना लेना। देवताओं की पत्नी बनकर तुम्हारा जीवन सुखों से भर जाएगा, तो तुम्हें मन चाहे भोग भोगने को मिलेंगे।
दर्शक बंधु राजा नल की बात सुनकर राजकुमारी दमयंती बहुत दुखी होती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कहने लगी, क्षमा करना महाराज, आपके अतिरिक्त मैंने किसी को सपने में भी नहीं सोचा है और आप ही मेरे पति होंगे, ये मेरा अटल निश्चय है। मित्रों, राजा नल ने दमयंती को बहुत समझाया कि तुम देवताओं का वरण कर लो, किंतु दमयंती इस प्रस्ताव से बिल्कुल भी राजी नहीं थी। दमयंती ने कहा कि आप चिंता ना करें, मैं स्वयंवर सभा में उन्हीं देवताओं के सामने आपका वरण करूंगी। आपने तो अपना कर्तव्य निभा दिया, आप पर कोई दोष नहीं आएगा। मित्रों, इस प्रकार राजा नल देवताओं के पास वापस लौट जाते हैं। देवताओं के पूछने पर राजा नल ने उन्हें बताया, दमयंती किसी भी कीमत पर आपको अपना पति नहीं बनाएगी, वो मुझे पति रूप में पाना चाहती है। मैंने हर प्रकार से उसे समझा कर देख लिया। उसने कहा है कि देवताओं से कह देना कि स्वयंवर में पधारे में देवताओं के सामने ही राजा नल को अपना पति चुनूंगी। हे देवगढ़, मैंने दूत होने का अपना धर्म निभा दिया, अब आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कीजिए। मित्रों, इस प्रकार देवता लोग वहां से चले जाते हैं और इधर अगले दिन स्वयंवर में सभी राजा राजकुमार आकर बैठते हैं। सबके मन में दमयंती को पाने की भारी लालसा थी। स्वयंवर सभा में एक और महाराज नल भी बैठे हुए थे। अचरज की बात यह थी कि जिस जगह राजा नल बैठे थे उस जगह पर उनके बराबर देवता भी राजा नल का रूप बनाकर बैठ गए। अब तो स्वयंवर सभा में पांच पांच नल एक ही सकल सूरत के थे। इधर राजकुमारी बरमाला लेकर स्वयंवर सभा में आती हैं। राजकुमारी को देखकर सबकी नजरें उसके ऊपर गढ़ जाती हैं। राजकुमारी जिस राजा के सामने पहुंचती उसी राजा का परिचय दिया जाता था। अगर एक क्षण को भी राजकुमारी वहां पर ठहर जाती तो उस राजा को ऐसा लगता था कि अब उसका भाग्य उदय होने वाला है। उसका चेहरा आशा से भर जाता था। जब राजकुमारी आगे बढ़ जाती थी तो उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता था। मित्रों, बढ़ते बढ़ते राजकुमारी जब राजा नल के समूह पहुंची तो चारण ने राजा नल का परिचय दिया, लेकिन राजकुमारी तो ये देखकर असमंजस में पड़ गई कि वहां पर एक नहीं पांच पांच नल बैठे हुए थे। एक ही शक्ल सूरत के पांच राजकुमारों को देखकर राजकुमारी दुविधा में पड़ जाती है। सोचने लगी कि इन पांचों में राजा नल कौन से हैं। मित्रों, वो बार बार उन पांचों को देखती थी लेकिन राजा नल की पहचान नहीं कर पा रही थी। तब उसे समझ में आया कि महाराज नल मेरे पास देवताओं के दूध बनकर आए थे। कहीं इन पांचों में से बेचारों देवता तो उनका रूप बनाकर नहीं बैठे हैं। जरूर ऐसा ही हो सकता है, ये देवताओं की चाल है। अब तो बहुत दुखी होती है कि अगर गलती से भी उसने किसी एक के गले में बरमाला पहना दी और उसका बर्ड किसी देवता से हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। मित्रों, काफी सोच विचार करने के बाद राजकुमारी दमयंती ने देवताओं की शरण ली। हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवताओं, तुम सब इस बात के साक्षी हो, मेरे सामने जब उस दिव्य हंस ने आकर के राजा नल की प्रशंसा की थी, मैंने तभी से राजा नल को अपना पति मान लिया था। यदि मैं सच बोल रही हूं तो हे देवताओं, राजा नल की मुझे पहचान करा दो। यदि मैंने मन वचन कर्म से भी कभी सत्य को ना छोड़ा हो तो हे देवताओं, राजा नल की मुझे पहचान करने में मदद करो। मित्रों, दमयंती के सच्चे प्रेम को देखकर देवताओं ने उसकी सहायता की और उसे ऐसी शक्ति प्रदान की। अब तो दमयंती ने देखा कि उन पांच पुरुषों में एक पुरुष के चेहरे पर तो पसीने की बूंदें थी और बाकी चार पुरुषों पर नहीं थी। एक पुरुष तो आंखों के पलक भी मार रहा था, बाकी चार पुरुष तो ऐसे ही बैठे थे। बाकी चार पुरुषों ने जो फूल मालाएं पहनी थी उनके फूल कुमलाए हुए नहीं थे और केवल एक पुरुष की फूल माला भी कुछ मुरझाई हुई थी। फिर उसने देखा कि चार पुरुष तो अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, उनके चरण भी धरती को स्पर्श नहीं कर रहे थे और एक पुरुष अपने पैर जमीन पर स्पर्श किए हुए बैठा था। एक अंतर दमयंती ने और देखा, चार पुरुषों की जमीन पर परछाई भी नहीं पड़ रही थी, केवल एक पुरुष की परछाई दिखाई दे रही थी। अब राजकुमारी सारी बात समझ चुकी थी कि जो राजा नल धरती के नियमों में सम्मिलित है वही असली राजा नल है, बाकी चार तो देवता है। अब तो बिना संकोच के राजा नल को बरमाला पहना दी। नल के गले में बरमाला पहनाते ही सभी राजाओं के अरमान धूल हो गए। सब राजा महाराजा राजा नल के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। राजा नल ने दमयंती से कहा, हे प्रिय, वास्तव में तुमने मुझे पति चुनकर यह बता दिया है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितना प्रेम है। मुझे एक तुच्छ मानव के लिए तुमने स्वर्ग का ऐश्वर्य भी ठुकरा दिया। सचमुच तुम्हारा प्रेम महान है। तुमने अपने प्रेम से वास्तव में मुझे खरीद लिया है। मैं सदा तुम्हारे इस प्रेम का सम्मान करूंगा। मैं जब तक जीऊंगा तुम्हारा बनकर जीऊंगा। राजा नल बोले, हे कल्याणी, सचमुच नारियों के अंदर यह खासियत होती है कि वो जिसको भी एक बार मन में बसा लेती है जिसके लिए वे समर्पण हो जाती है।
फिर उनके सामने चाहे त्रिलोक की संपत्ति का भी लालच रखा हो, वो भी नहीं लोभा सकता। यही स्त्री के अंदर सबसे अच्छी चीज होती है। वैसे तो नारियों में बहुत से गुण अच्छे होते हैं जो प्रशंसा के योग होते हैं, लेकिन ये गुण विशेष होता है जिसे उन्होंने एक बार अपने मन के मंदिर में बसा लिया, फिर भी उसके लिए जन्म जन्मान तक समर्पित रहती है। और स्त्रियों के अंदर सबसे बुरी चीज होती है कि अगर वे अपने चरित्र से भटक जाएं, तो फिर वे किसी की नहीं हो सकती। चाहे कोई सगा हो, उनका अपना ही क्यों ना हो, फिर तो वे लोक निंदा भी सह सकती है, प्राण भी ले सकती है, अपने प्रिय की मृत्यु भी देख सकती है। उस समय उनके बीच में जो रोड़ा बनकर आ जाता है वो उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है, चाहे वो कितना ही सगा क्यों ना हो। मित्रों, इस प्रकार राजा नल और दमयंती का विवाह हो जाता है। राजा नल और दमयंती ने देवताओं को प्रणाम किया। उन दोनों के प्रेम को देखकर देवता भी उनसे बहुत प्रभावित हुए। देवताओं ने राजा नल को 8 वरदान दिए। उनमें पहला वरदान था जो राजा इंद्र ने दिया था कि हे राजा नल, जब तुम यज्ञ करोगे तो मैं यज्ञ में तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा और तुम्हें परम गति और तुम्हें परम गति प्रदान करूंगा। अग्निदेव ने कहा था कि राजन, जब तक तुम जियोगे तुम्हारा तेल यूं ही विद्यमान रहेगा, और जब तुम्हें हमारे सहायता की आवश्यकता होगी, जब तुम हमारा ध्यान करोगे तो हम तुरंत प्रकट हो जाएंगे। यमराज ने वरदान दिया कि राजा नल के द्वारा बनाए गए भोजन में उत्तम स्वाद होगा और धर्म में सदा इनकी आस्था बनी रहेगी। और वरुण देवता ने वरदान दिया था कि राजा नल, जब तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी तो मैं तुरंत प्रकट होकर तुम्हारी सहायता करूंगा और तुम जीस फूल माला को पहनोगे, उसमें से हमेशा दिव्य सुगंध निकलेगी। इस प्रकार आशीर्वाद देकर देवता लोक स्वर्ग को चले गए। इधर राजा नल कुछ दिन तक अपनी ससुराल में अतिथि बनकर रहते हैं। उसके बाद रानी को साथ लेकर अपने देश को लौट जाते हैं और बड़े ही आनंद पूर्वक अपने नगर में रहकर प्रजा का पालन करने लगते हैं। राजा नल ने एक अश्वमेध यज्ञ भी किया था। उसके बाद उनके 2 संतानें हुई, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम था इंद्रसेन और पुत्री का नाम था इंद्रसेनी। मित्रों, उन्हीं दिनों की बात है जब राजकुमारी दमयंती का स्वयंवर हुआ था। स्वयंवर तो संपन्न हो गया था, राजा नल दमयंती को ब्याह कर ले भी गई थे। सभी राजा महाराजा निराश होकर अपने अपने स्थान को लौट गए थे। इंद्र, अग्नि, यम, वरुण चारों देवता भी स्वर्ग को लौट रहे थे, तो रास्ते में उनकी भेंट कलयुग और द्वापर से होती है। कलयुग और द्वापर को देखकर इंद्र ने पूछा, भाई आप लोग कहां जा रहे हो? तब कलयुग ने बताया कि हम राजकुमारी के स्वयंवर में भाग लेने जा रहे हैं, हम राजकुमारी दमयंती को अपनी प्राण बल्लभा बनाएंगे। तब इंद्र ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, स्वयंवर में पहुंचने में आपने थोड़ी देर कर दी। राजा नल दमयंती को ब्याह कर कब का ले जा चुका है, अब क्या वहां राजाओं की झूठी पतले साफ करने जा रहे हो? अरे, उस दमयंती ने देवताओं को भी ठुकराकर एक साधारण मनुष्य से अपना विवाह किया है। मित्रों, इंद्र की यह बात सुनकर कलयुग को क्रोध आ जाता है। कलयुग कहने लगा, इस प्रकार तो राजकुमारी दमयंती ने देवताओं का अपमान किया है, उसे दंड मिलना चाहिए। आपने उसे दंडित क्यों नहीं किया? लेकिन मैं उसे दंडित जरूर करूंगा। देवताओं ने कहा, नहीं नहीं कलयुग, दमयंती ने हमारा अपमान नहीं किया है, उसने तो हमसे आज्ञा लेकर ही राजा नल को अपना पति चुना है। फिर राजा नल भी तो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो बड़ा धर्मात्मा है, धर्म कर्म के साथ चलने वाला है, और जो मनुष्य धर्म के साथ चलता है हम उसका कभी बुरा नहीं कर सकते। कलयुग बोला, आप नहीं कर सकते, पर धर्म पर चलने वाले का मैं तो बुरा कर सकता हूं। इंद्र ने कहा, यह तुम्हारी भूल है कलयुग, धर्म पर चलने वालों का बुरा करने वालों का खुद का ही बुरा हो जाता है, कोई उसका क्या बुरा करेगा। कलयुग बोला, नहीं नहीं इंद्रदेव, आप देखते जाइए मैं राजा नल का किस तरह बुरा करता हूं। मित्रों, कलयुग की बातें सुनकर इंद्रदेव महाराज चारों देवताओं के साथ स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। और कलयुग किस तरह राजा नल पर विपत्ति बनकर टूटेगा, यह कहानी आपको अगली वीडियो में सुनने को मिलेगी। तो चलिए इंतजार करते हैं अगली वीडियो का इसी कहानी के साथ। तो दोस्तों, अपनी राय कमेंट में जरूर भेजना और एक लाइक जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।